ये प्रॉपर्टी ब्रेकअप प्रॉपर्टी है, मोड वाले क्वेश्चनों में लगती है इस तरह के। यहाँ मैंने तीन टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में करेंगे। 228 मोड में है, x माइनस फाइव डी एक्स, तो लेट करेंगे मोड के अंदर x माइनस फाइव, फिर x माइनस फाइव पॉजिटिव कब होगा मोड हटाएंगे तो, जब x माइनस फाइव इक्वल टू एंड ग्रेटर देन जीरो होगा, और माइनस में कब होगा जब x माइनस फाइव लेस देन जीरो होगा। अब देखो ये माइनस में इस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू फाइव हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, और ये माइनस इधर करोगे तो माइनस में एक्स हो जाएगा, प्लस में फाइव हो जाएगा, तो ये फाइव माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू लेस देन फाइव। अब लिमिट को देखो, इसको ब्रेक करेंगे पहले, इस ये दिया था क्वेश्चन मुझे, ठीक है 228, अब बोल गया एक्स की वैल्यू लेस देन फाइव है, तो मोर देन क्या होगी, टू होगी ना, लोअर लिमिट तो यही है, टू से लेके फाइव तक एफ एक्स हो गया। अब एक्स की वैल्यू बोल गए ग्रेटर देन फाइव है और इक्वल टू फाइव है, तो कहाँ तक जाएगी मैक्सिमम, एट तक, फाइव टू एट हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, अब टू टू फाइव में क्या आ गए, लेस देन फाइव में ये आ गए फाइव माइनस एक्स, तो इसे पहले लिखेंगे, और फाइव टू एट में ग्रेटर देन फाइव में एक्स माइनस फाइव आ गया, उसे बाद में लिखेंगे। बोथ आर लीनियर, लीनियर है तो लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, पावर वन है, वन प्लस वन टू जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन एक्स के साथ माइनस है तो माइनस आएगा बटे में टू, उसे मैं बाहर लिखता हूँ हमेशा, लोग यहाँ लिखते हैं वन बाय टू माइनस वन बाय टू, मैं लेकिन बाहर लिखता हूँ, लिमिट ऐसे पुट करेंगे। इसी तरह इसमें भी होगा, इसकी लीनियर पावर है टू, क्योंकि वो सिंगल पावर थी इस पूरे की, तो वन प्लस वन टू जाएगा, और टू से डिवाइड भी करेंगे, वो बाहर लिखा मैंने। अब पुट करेंगे, फाइव पुट करोगे अपर लिमिट इसमें तो जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, टू पुट करोगे लोअर लिमिट, फाइव में से थ्री टू जाएगा तो थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट पुट करोगे, एट में से फाइव जाएगा तो थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, फाइव में से फाइव जाएगा जीरो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नाइन बाय टू, और ये भी नाइन बाय टू, एटीन हो गया, एटीन को टू से डिवाइड करोगे तो नाइन आएगा। अब इसे क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी खुद करने हैं, तो इसे पहले फॉर्मूले में पुट कर दिया, रूट हटाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, हाँ इसलिए मोड में पुट कर दिया हमने, हमने मोड में पुट किया, इसे यहाँ पुट किया, x माइनस थ्री, ये ग्रेटर देन क्या होगा, ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा जब x माइनस थ्री जीरो से बड़ा और इक्वल टू होगा, और नेगेटिव कब होगा ये जब x माइनस थ्री लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अब इस थ्री को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल थ्री, x की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री होगी, और यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू लेस देन थ्री होगी, x की वैल्यू लेस देन थ्री है तब ये है बोल रहा फंक्शन, और x की वैल्यू लेस देन थ्री कहाँ से शुरू होगा मोड, वन से, वन से थ्री तक, तो देखो ब्रेक करेंगे इसको, वन से थ्री तक एफ एक्स, और फिर थ्री से ग्रेटर मैक्सिमम क्या है फोर, थ्री टू फोर चला जाएगा, ऐसे ब्रेक करते हैं इसको। तो क्वेश्चन लिखा वन टू थ्री, वन टू थ्री में कौन सा आ गया, लेस देन थ्री वाला आएगा ये थ्री माइनस एक्स, और मोर देन थ्री में कहाँ तक जाएगा फोर तक, तो थ्री टू फोर एक्स माइनस थ्री डी एक्स, तो अब इस ये भी लीनियर है लेकिन x के साथ माइनस है तो माइनस आगे आएगा टू पावर सेम, इसी तरह से यहाँ वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ये प्लस वाला है इसी तरह से, इसमें भी लेट करेंगे हम, x प्लस टू पॉजिटिव होगा कब, जब x प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, नेगेटिव होगा जब x प्लस टू लेस देन जीरो होगा। अब इस प्लस टू को इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस टू आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस टू से ग्रेटर, और यहाँ पे इसको इस साइड ले जाऊंगा तो x की वैल्यू माइनस टू से लेस, माइनस टू से लेस क्या होता है, नेगेटिव में फाइव जो है वो और छोटा हो गया माइनस फाइव, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे माइनस फाइव से माइनस टू तक, फिर प्लस माइनस टू से मोर देन बोल गया ना मैक्सिमम फाइव तक जाएगा, माइनस टू से फाइव तक एफ एक्स, अब माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में ये आएगा ये वैल्यू, और माइनस टू से फाइव के बीच में ये वाली वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आपको, सिमिलर है माइनस फाइव के बाद तो मैरी रखा है मैंने, उस सेम होगा वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको लेट करेंगे एफ एक्स, अगर ये पॉजिटिव कब होगा जब टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, नेगेटिव कब होगा जब टू एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो होगा। अब माइनस थ्री को इधर ले जाओगे माइनस थ्री, फिर टू से डिवाइड करोगे एक्स की वैल्यू,
और इसमें भी क्या करोगे, सेम x की वैल्यू निकालोगे। जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वैल्यू आएगी -1.5। कितनी आएगी? -1.5। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू लेस देन -1.5, लेस देन 1.5 कौन से हो गया, -2 होगा, यानी -2 से 3/2 एफ एक्स, फिर माइनस इससे बड़ी बोल गए तो 3/-2 से बड़ी कितनी जाएगी, मैक्सिमम 2 तक जाएगी बस। अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन है लेस देन में, ये वाला फंक्शन, और इसके अंदर कौन सा है मोर देन में, ये वाला फंक्शन पुट किया हमने। अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, पावर आएगी बढ़ेगी, लेकिन x के साथ 2 है तो एक 2 और आएगा, इसलिए 4 हो गया। ठीक है, यहाँ भी सेम है, लीनियर है ये, तो ax प्लस, यानी लीनियर, मैं जब भी लीनियर बोलता हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब ये होता है, अर्थात ये होता है कि आपने इंटीग्रेशन ax प्लस बी एंड dx सीखा होगा। तो उसमें क्या सीखा था आपने, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके, ax प्लस बी n प्लस वन इंटू ए, और एक और फॉर्मूला सीखा होगा बी माइनस ए एक्स एन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इसका इंटीग्रेशन करते थे बी माइनस ए एक्स एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन। ठीक है, ये चीज़ें, ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं जब तक लीनियर रहेगा। अब यहाँ मैंने पूरा पुट करके दिखाया, क्योंकि यहाँ जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है। माइनस पहले अपर लिमिट पुट करोगे, 2 तो इसमें था ही, x की जगह पुट करोगे -3/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करिए, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे x की जगह 2 पुट, -2 पुट किया, -4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कटा, 3 में से 3 गया 0, -4 में से प्लस 1 गया तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, बाहर तो माइनस ही है। ठीक है, इसी तरह से इसमें पुट करोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पुट किया आपने 4 7 7 का स्क्वायर 49 होता है, और यहाँ 2 से 2 कटा, -3 और +3 तो 0, तो ये बच के ये आ गया 25/2। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक चलेंगे फिर एलजेब्रा, पहले मैं एलजेब्रा की फिनिश कर लूँगा, अगली स्लाइड में कराऊँगा शायद इसको, अगली क्लास में, तो आज के लिए इतना ही रखूँगा, कल कराऊँगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रेशन में 0 to मोड वाले हैं, ये 2-x है, ये पॉजिटिव होगा कब, 2-x ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव होगा जब ये लेस देन 0 होगा। तो अब मैं 2 को इस साइड ले जाऊंगा माइनस में, अब दोनों तरफ माइनस आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी। अब क्या करेंगे, अब देखो ये बोल गया ये लेस देन है जब 2 से छोटा है, ये वाला फंक्शन, इसको ब्रेक किया मैंने इस फॉर्म में, 0 to 2, 2 to 4 हो गया, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, 0 to 2 लेस देन 2 का है, ये है 2-x, ये लिखेंगे, और मोर देन 2 का है, ये x-2। अब लिमिट टू पुट थी, इंटीग्रेट करो, यहाँ माइनस एक्स था तो माइनस आएगा, और बटे में 2, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब साइन वाले को जरा से ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्वाड्रेंट का चक्कर होता है, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, फिर 2π से ग्रेटर, तो इस तरह से चलेगा। अब हमें क्या पता है, ये पॉजिटिव है साइन, जब साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव है साइन x लेस देन और इक्वल टू 0, ये बात याद रखनी है, दोनों में इक्वल टू। साइन x कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप ये फर्स्ट और सेकंड, यानी 0 से लेके पाई के बीच में, और नेगेटिव कब होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी पाई से लेके 2π के बीच में। तो लिमिट हमने 0 to π दी थी हमने, उसे दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया, ये पाई से लेके 2π में नेगेटिव था तो नेगेटिव फंक्शन, अब इंटीग्रेट करेंगे ये माइनस आता है, बाहर लिख दिया, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस को प्लस हो जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा ना, कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 2π क्या होता है 1, और कॉस पाई -1, तो ये माइनस बाहर था प्लस हो जाएगा, इस तरह से 4 हो गया आंसर आपका। ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे x है, तो इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे t, अगर x की जगह 0 पुट करेंगे t 0 हो जाएगा, x की जगह t पुट करेंगे 2π t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो
तो dx डी टू पाई dx dt, अब dx निकालना है मुझे तो dt अपॉन टू पाई, ये वन पाई वन बाई टू पाई को बाहर लिखा, लोअर लिमिट जीरो होगी अपर लिमिट टू पाई। अब एफ टी इक्वल sin t, sin t पॉजिटिव होगा जब जीरो से बड़ा होगा, sin t नेगेटिव लेस देन जीरो होगा, तो जीरो sin जीरो से लेके पाई के तक पॉजिटिव होता है यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई से लेके टू पाई के बीच में नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेट करो, sin का माइनस कॉस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी तो सही में वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर यूज करते। अब ये कॉस वाला है, कॉस वाले को जरा बहुत ध्यान से देखना है, कॉस के साथ एक सीन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा जीरो से पाई बाई टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव हो जाएगा यानी पाई बाई टू पाई में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहेगा, ये तो कंटिन्यूटी यानी पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू तक कॉस नेगेटिव है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में थ्री पाई बाई टू टू पाई में पॉजिटिव होगा। इस तरह से हमने देखा कॉस कब कब पॉजिटिव है, जीरो से लेके पाई बाई टू में और थ्री पाई बाई टू से टू पाई में यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकेंड और थर्ड में, और फर्स्ट और फोर्थ में क्या था पॉजिटिव और सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव है। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे टू पाई तक ब्रेक करना, पहले जीरो से पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू से टू। अब देखते हैं जीरो से पाई बाई टू में क्या फंक्शन है, पॉजिटिव कॉस, और पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू यहाँ से शुरू हो गया ना, यहाँ तक है थ्री पाई बाई टू, ये पूरा क्वाड्रेंट कैसा है नेगेटिव है कॉस के लिए, तो नेगेटिव फंक्शन लिखोगे, और फिर कौन सा आ गया थ्री पाई बाई टू टू पाई में पॉजिटिव फंक्शन है, कॉस पॉजिटिव होता आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ा होगा ना, इलेवन क्लास में सभी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा था आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो देखो अब ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट, साइन पाई बाई टू वन, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन, ये वन, फिर टू पाई जीरो होता है साइन, साइन टू पाई जीरो होता है, और साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन होता है तो वे हो जाएगा प्लस वन। अब देखो सब सॉल्व हो गया, फोर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमने पढ़ा था टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, वन प्लस कॉस टू थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या दिया इसमें, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, यानी ये पुट कर दो, रूट हटाओगे तो मोड के अंदर आएगा, फिर इसी तरह से क्योंकि जीरो टू पाई है ना लिमिट, अब तो टू पाई नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा यानी पाई बाई टू से पाई तक, तो फिर ब्रेक करोगे आंसर आ जाएगा आपका टू। ठीक है ये खुद कर लेना, इसके बाद मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा एक और। ये क्वेश्चन है जो जीरो पाई बाई टू इस तरह से, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, और नेगेटिव होगा तो लेस देन जीरो होगा। अब माइनस में कॉस तो इधर ले जाओगे प्लस में जाएगा, इसी तरह इसमें भी ले जाओगे। अब कॉस से बोथ साइड डिवाइड कर दो, ये साइन बट्टे कॉस टैन हो जाएगा, ये कॉस कॉस से दोनों तरफ डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड कॉस, ये टैन एक्स, टैन एक्स वन कब होता है पाई बाई फोर पे, टैन की वैल्यू वन कब होती है टैन पाई बाई फोर पे, टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ही आ गया। अब लिमिट ब्रेक होगी हमारी जीरो टू पाई बाई फोर और पाई बाई फोर टू पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू था। अब देखो जीरो टू पाई बाई फोर लेस देन में बोल गया ये, तो ये वाला फंक्शन पहले लिखेंगे, और मोर देन में बोल गया तो ये वाला फंक्शन यहाँ लिखेंगे। ठीक है ये वाला फंक्शन, ये माइनस में था ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज को, इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डाल दोगे सिंप्लीफाई करोगे, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस था बीच में, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, जो माइनस था बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस में बचा है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ठीक करो चीज़ को, ये टू बाय रूट टू और ये माइनस वन, ये क्या हो गया कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, साइन नाइन्टी वन होता है, माइनस ये तो सेम है टू बाई रूट टू, कैसे स्लाइस करोगे टू के फैक्टर रूट टू इंटू रूट टू होते हैं, एक रूट टू कट जाएगा, या कैसे स्लाइस कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लगता हो, ये आ गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन मैंने ये दिया, ये ऐसे बनेगा, मोड हटाओगे, प्रोसीड बाय सेल्फ एज सॉल्यूशन एट, आंसर यही आएगा। अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो बारी बोर्ड में आ चुका है, इसलिए आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, जरा सा छोटा हो गया बोर्ड कम छोटा पड़ गया है, लेकिन आप प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए,
बूट करो पाई एक्स इक्वल टी, एक्स की जगह माइनस वन पाई, माइनस वन पुट करोगे टी की वैल्यू माइनस पाई, और एक्स की जगह थ्री बाई टू पुट करोगे यहाँ पे थ्री बाई टू टी आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल लो टी पाई बाई टी बाई। अब देखो क्वेश्चन में वापस जाओ, डेरिवेटिव करो तो करोगे ही, पाई बचेगा पाई को बटे में ले जाओगे, एक पाई अंदर बचा एक पाई बाहर, पाई का स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये बच गया आपके पास। अब स्क्वायर टी मानो पॉजिटिव कब कब होगा, देखो माइनस पाई से लेके जीरो पाई बाई टू तक ये क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पाई की टी की जगह क्या पुट करोगे माइनस पाई, और साइन माइनस पाई साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी पॉजिटिव आएगा फंक्शन। इस केस में भी जीरो से लेके पाई तक ये भी पॉजिटिव होगा, फिर अगेन इसको कंबाइन कर लेंगे बाद में भी, और पाई से थ्री बाई पाई टू थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव होगा ही, तो मैं नेगेटिव साइन यहाँ पर बाहर लगा दिया मैंने। अब देखो इसको मैंने कंबाइन कर दिया वन पाई, और लिमिट क्या करूँगा माइनस पाई से लेके पाई ये बचेगा, दो ही पार्ट में बचा। अब बाय पार्ट लगाने के लिए इसको अलग से बाहर निकालूंगा मैं, इसको फर्स्ट फंक्शन डायलेट के अनुसार चलेगा, सेकंड फर्स्ट को ड्रॉप किया सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन डीटी, ये माइनस कॉस टी आ गया प्लस हो जाएगा इंटीग्रेट कर दिया ये आ गया। अब इस चीज़ को यहाँ पर पुट करना हमने, अब देखो ध्यान से ये पुट किया मैंने, लिमिट क्या थी माइनस पाई आ गया जैसे पाई ये देखो, फिर माइनस है बीच में माइनस वन पाई बाय टू, ये वाला फंक्शन इसकी जगह भी तो यही रखना है रखा, ये पुट कर दिया। अब पहले वाले में लिमिट पुट करेंगे हम, पहले वाले में लिमिट पुट करेंगे केवल यहीं फोकस कर यहाँ पे, तो अब यहाँ पाई साइन पाई माइनस पाई कॉस पाई माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट साइन माइनस पाई प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी है ना, टी की जगह पाई माइनस पाई पुट कर दिया कॉस माइनस पाई। अब समझो इस स्टेप को समझ लेते हैं, पहले इस स्टेप को समझते हैं, यहाँ पे देखो साइन पाई जीरो होता है कॉस पाई वन होता है तो माइनस वन होता है, ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या था ये माइनस था बीच में माइनस लगाया, साइन पाई जीरो होता है तो जीरो गएगा और कॉस पाई वन होता है माइनस वन तो ये माइनस हो जाएगा पाई, यहाँ प्लस था ना ये माइनस हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये प्लस प्लस हो जाएगा टू पाई अपॉन टू इतना, ये पहले वाला स्टेप आ जाएगी, ये वाला स्टेप आ गया, ये वाला स्टेप आ गया है ना, इसको यहाँ सॉल्व कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा, इसे पुट करेंगे थ्री पाई बाई टू, पुट करो करते जाओ ऐसे माइनस लोअर लिमिट पाई किया, अब सॉल्व कहाँ किया यहाँ साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन, क्वाड्रेंट खोलने आते हैं इलेवंथ में सीखा होगा ना कॉस पाई बाई थ्री कॉस थ्री पाई बाई टू जीरो होता है, फिर माइनस साइन पाई जीरो होता है कॉस पाई माइनस वन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बाहर माइनस था तो प्लस है ये ना प्लस हो गया ना, फिर बाहर माइनस की वजह से फिर माइनस हो गया, अगेन ये माइनस ये तो जीरो हो गया ये वन बचा। अब ये ब्रैकेट खोलोगे बाहर या माइनस कॉमन ले लो ये प्लस हो जाएगा, एलसीएम लो आंसर थ्री पाई बाई थ्री पाई प्लस वन बाई पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है पहले क्या करना इस स्टेप को सॉल्व करना, ये देखो ये, फिर दोबारा क्या करना इस स्टेप को साथ में ही सॉल्व करना, ये यहाँ आ गया ये सॉल्व करके। ठीक है इस तरह से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक का एग्जाम्पल है, काफ़ी टाइम पूछा गया इसलिए आप प्लीज कीजिएगा इसको। इसी प्रॉपर्टी पे कंटिन्यू चल गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके क्वेश्चन आपके बुक में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और काफ़ी टाइम आ चुका है, आपको मैं इसमें से एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी आंसर मैंने लिख दिए हैं सबके, आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये समझाऊंगा मैं, सबसे पहले क्या करेंगे आप एफ एक्स सिलेक्ट कर लेंगे, तो एक्स प्लस वन इक्वल जीरो एक्स इक्वल माइनस वन पहली, फिर ये इसके इक्वल तो कुछ नहीं एक्स बराबर जीरो हो गया, यहाँ पर एक्स माइनस वन इक्वल एक्स माइनस वन इक्वल जीरो एक्स इक्वल वन हो गया। ठीक है अब क्या करेंगे लेस देन माइनस वन, लेस देन माइनस वन में क्या करेंगे सबके आगे माइनस लगाएंगे, सारे मोड हटाएंगे सबके माइनस, माइनस से स्टार्ट करना, लेकिन लेस देन माइनस वन है क्या लिमिट, देखो माइनस वन है ना लिमिट, लेस देन माइनस वन क्या होता है माइनस टू होता,
तो माइनस लेस देन माइनस टू बोलता, यहाँ माइनस टू होता तो एग्जिस्ट करता ये स्टेप, ये नहीं करेगा, इसे क्रॉस करेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस वन से जीरो जाएंगे क्योंकि अगला स्टेप जीरो, माइनस वन से बड़ा जीरो से छोटा, यानी यहाँ का माइनस हटा के प्लस में, बाकी दो माइनस में, फिर इसके आगे भी प्लस, जीरो से लेके वन तक ये माइनस, और तब तक चलना है जब तक सबके आगे तुम प्लस ना लगा दो, और ये क्या होगा लेस देन वन और इक्वल टू वन। तो इससे सॉल्व करके ये लिमिट आई, ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, अब इस लिमिट को ब्रेक कर दिया, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, वैल्यूज पुट किया, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर फाइनल आ गया। अभी आप कैसे करते हैं लिमिट को ब्रेक, एक और बारी समझा देता हूँ एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देख लो फोर्थ में, देखो ये लिखा यहाँ पे क्या है, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, तो लेस देन टू करो, लेस देन टू में क्या करना है, सबके आगे माइनस, तभी तो सभी नेगेटिव फंक्शन होंगे ना, जब टू से लेस होगा, इसमें तुम अगर टू से लेस वन पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसमें टू से लेस वन वन पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसमें टू से लेस वन पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, कुछ भी पुट कर सकते हो, 1.5 भी पुट कर सकते हो तब भी नेगेटिव आएगा। तो लेकिन लेस देन टू लिमिट देखो, टू है, लेस देन टू तो नहीं है ना, वन होता तो एग्जिस्ट कर जाती, इसलिए हट गया ये। अब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, टू वाला तो हो गया, थ्री आ गया, टू से बड़ी थ्री से छोटी, ग्रेटर देन टू लेस देन थ्री, तो यहाँ इसके आगे प्लस आ जाएगा, बाकी माइनस में जाएंगे। फिर ग्रेटर देन थ्री लेस देन फोर, यानी इससे तो इसके आगे प्लस आ जाएगा, ये माइनस में गएगा क्योंकि ये लेस देन फोर है ना भाई। अब ग्रेटर देन फोर तो यानी सब प्लस में हो गए, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर है, तो ये खोला मैंने और इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, ठीक है। एक और बात समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसकी लिमिट क्या है, थ्री टू फोर है, फोर ये का प्लस एक्स की पावर फाइव, अगर मैं इसे इसी को एक्सप्लेन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या करूँगा, मुझे माइनस लगाना, जैसा कि मैंने बोला कुछ सोचता नहीं है, सीधे माइनस तक, ठीक है। अब क्या आएगा, लेस देन फोर, लेस देन फोर क्या होगा, थ्री है, एग्जिस्ट कर गए, ये तो एग्जिस्ट कर गए। अब अगली लिमिट क्या होगी, इसे प्लस में करो और इसे माइनस में रखो, तो फोर से बड़ी और फाइव से छोटी, अगली लिमिट क्या होगी, इसे भी प्लस में करो, अब एक ही बचा ना, ये भी प्लस में हो गया, तो एक्स की वैल्यू लेस देन फाइव, एक्स की वैल्यू मोर देन फाइव, एक्स की वैल्यू मोर देन फाइव आ जाएगी, मोर देन फाइव तभी ये प्लस आएगा ना। अभी तीनों एग्जिस्ट करती हैं, सिक्स तक जा गई ना, अब ब्रेक कैसे हो गया, लिमिट थ्री से फोर हो गया, ये बना आपको क्या दिया था उसने फंक्शन, थ्री टू सिक्स दिया था एफ एक्स, अब इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, थ्री टू फोर एफ एक्स प्लस फोर टू फाइव एफ एक्स और फाइव टू सिक्स एफ एक्स। अब इसमें क्या करोगे, इसे सॉल्व करके यहाँ लिख दोगे, इसे सॉल्व करके यहाँ लिख दोगे, इसे सॉल्व करके यहाँ लिख दोगे, आंसर आ जाएगा, पुट कर लोगे, इंटीग्रेशन तो उसके बाद ईजी है, बस ब्रेक करने वाला स्टेप जरा सा टफ है, उसे सॉल्व कीजिए, फिर भी ना आए तो भाई कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा।